मैंने कहा इसके साथ नहीं खेलेगा, ठीक है, इसके मम्मी पापा मर चुके हैं, इसके साथ नहीं खेलना है, ठीक है, चलो घर पे, इसके साथ नहीं खेलना है। क्या हुआ? तेरी माँ से मिलाती हूँ, आज तेरे माँ दिखा रहा है, ठीक है, वही यही तेरी असली माँ है और तुझे माँ की आराधना और पूजा करनी है। ये ज्वाला जी माँ है, ये ज्वाला जी माँ है, माँ की आराधना करनी है। मैं माँ की सिद्धि करूँगा और भक्ति करूँगा और सारे संसार के दुख करूँगा। हे माँ, मुझे गले लगा, मैं तेरा बेटा हूँ। हे जगदम्बे, हे कृपालु, हे भक्ति की सागर, बोलना, यह क्या कर रहे हो, अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, यह समय विद्या और भक्ति में लगाना चाहिए, यह समय हमारा बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि इस उम्र में हमें खाने की और पहनने की चिंता नहीं होती, इस उम्र में हमें अपने गुरुजनों से कुछ सीखना चाहिए। मनुष्य का जन्म हमें बहुत ही दुर्लभ मिलता है, इस जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और हम अपने जीवन को बेकार की चीज़ों में खराब कर देते हैं। हमारा शरीर छूट जाने के बाद हमें पछतावा होगा कि हम कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाए। हमें पशु पक्षी के लिए और मानवता की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। ज्वाला जी माता के दर्शन करने के लिए सभी को चलना चाहिए।
झूठ बोलता है। कोई माँ की शक्ति नहीं है। अगर माँ की शक्ति है तो जो घोड़े बीमार हो गए हैं उनको ठीक करके दिखाओ। जब भी जाना है ज्वाला जी ऐसे कह रहे हैं अकबर साहब, उनको ठीक करना होगा और तभी हमें आज्ञा देंगे ज्वाला जी माता के दर्शन करने के लिए। मुझे 1 महीने का समय दो, मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि तुम सबका विश्वास बना रहे। माँ इस दुनिया में माँ की शक्तियाँ हैं, हम सबके अंदर माँ की शक्तियाँ हैं। हे माँ, मुझे भक्ति दे, शक्ति दे। आज मेरी बहुत ज़्यादा परेशानियों में आ गया हूँ मैं। आज अकबर ने अपने घोड़े को ठीक करने के लिए कहा है कि जब भी मैं तेरे दर्शन कर पाऊँगा। आज मैं बहुत विपत्ति में हूँ, माँ मेरी सहायता करो। उन सबको बताओ कि तुम इस दुनिया में हो, तुम्हारी शक्तियाँ हैं माँ। आज तुम राजा के जितने भी घोड़े हैं सबको ठीक करो माँ। हे माँ ठीक करो माँ, अपनी शक्तियाँ दिखाओ। अगर तुम नहीं दिखाओगे तो मैं आज अपनी नाड़ को काट दूंगा माँ। अगर तुम ठीक नहीं करोगे तो मैं इस गर्दन को अपनी काट दूंगा। रुको धानु भगत, बेटे तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जाओ राजा के जितने घोड़े हैं सब ठीक हो जाएंगे। आज मैंने तुम्हारी भक्ति और शक्ति से बहुत खुश हो गई हूँ, बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। जाओ आज से तुम धानु भगत कहलाओगे। धानु भगत चमत्कार हो गए। राजा के दरबार में जितने घोड़े थे सब ठीक हो गए हैं और राजा ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है सम्मान के लिए। जितने भी घोड़े थे और सब ठीक हो गए हैं, जितने भी मनुष्य हैं सब तुम्हारी वाह वाह कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। मैं भी तुम्हें प्रणाम करती हूँ बहन भाइयों। और राजा के दरबार में चले, वो तुम्हें बुला रही हैं सम्मान के लिए।